what's up guys, I hope you all are doing well. Welcome back to another vlog. और अभी हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली और फिर वहां से जाएंगे हम जयपुर. हमारी न्यू दिल्ली की फ्लाइट है और वहाँ से हम निकलने वाले हैं जयपुर के लिए. तो सीधा चलते हैं आज के प्रीमियम लाउंज में. तो अभी हमारा हो गया है लाउंज में खाना पीना और अभी हम जा रहे हैं सीधा हमारे गेट पे. काफ़ी अच्छा लाउंज है ये, यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है और ये एरिया मैंने आपको दिखाया नहीं था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ड्रिंक्स विंक्स सब होती है, पर यहाँ पे मैं आया नहीं तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. तो दिल्ली जाकर गाइस मैंने पकड़ी थी जयपुर की ट्रेन जो कि थी 6 घंटे की जर्नी और फिर मैं पहुंच गया जयपुर. हे व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं जयपुर और मैंने किया है चेक इन 20 में. तो जल्दी से दिखा देता हूँ यहाँ का रूम टूर और ये है लॉबी. ये हमको हमारा 4th फ्लोर पे और एंट्रेंस करते ही आपको स्लीक सा रूम है. ये है बेड, छोटी सी टीवी लगी हुई है, एक मिरर है और वहाँ पे एडिटिंग के लिए कुछ स्पेस है मेरे लिए. और यहाँ अगर आप देखते हैं अंदर तो ये है छोटा सा वॉशरूम मिरर के साथ और हेयर ड्रायर लगा हुआ है. ट्रांसपेरेंट इनका वॉशरूम है तो ऐसा कुछ यहाँ का रूम है. और फ्रेश होके हम निकल गए डिनर के लिए. तो मैंने ढूंढी थी एक स्पेशल जगह जहाँ पे ऑथेंटिक राजस्थान फूड मिलता है और वो थी श्री मोटूराम प्रसादम. तो मेन्यू आपको दिखा देता हूँ और देखते हैं खाना कैसे होने वाला है. तो राजस्थान में अगर आपने दाल बाटी चूरमा ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया. तो हमने ट्राई करी थी यहाँ की स्पेशल भोग थाली दाल बाटी वाली और इसके अलावा हमने खाया था पनीर बटर मसाला और एक कुलचा पापड़ के साथ आया था, वो भी बहुत टेस्टी था. तो कैसा था आज का खाना? हाउ वाज द डिनर? बहुत अच्छा. पेट देखो गाइस, इसका तृप्त हो गया. पूरा पेट निकला हुआ है और अभी हम अपने होटल में वापस आ रहे हैं. सोच रहे थोड़ा फूसबॉल खेले जब इन लोग का कुछ और आता है. बस ये जो भी खेल रहे हैं अभी वो उनका होने के बाद हम लोग खेलेंगे, राइट? सो अभी हम जस्ट बैठे हैं, चिल कर रहे हैं. Having breakfast at a hotel with authentic Rajasthani musicians singing and playing instruments can evoke a sense of enchantment and cultural immersion. The lively music and vibrant atmosphere may evoke feelings of joy, nostalgia, and awe as you enjoy your meal amidst the rich cultural tapestry of Rajasthan. The experience may leave you feeling uplifted, connected to the local culture, and grateful for the opportunity to partake in such a unique and memorable moment.
सो आफ्टर हैविंग दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट एट होटल हम पहुंच गए जयपुर सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पहुंचकर पता चला कि यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि हम आए हैं पीक सीजन में। तो इस भीड़ को बाईपास करने के लिए मैंने बुक किया था रॉयल सिटी पैलेस टूर, और इसमें मुझे स्पेंड करना पड़ा एक्स्ट्रा 3,000 रुपीज पर पर्सन, और अगर आपके पास स्टूडेंट डिस्काउंट है तो आपको ये मिल जाएगा 1,500 रुपीज में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिटेल शेयर कर दी है यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ आपको मिल जाता है कुछ रिफ्रेशमेंट एट द एंड ऑफ द टूर, और आपको एक गाइड भी मिलते हैं जो आपको सारे जो रूम्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और पैलेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इसकी हिस्ट्री के बारे में और डिटेल्स। एंड इसकी जो टिकट्स है आप आराम से पैलेस पहुंचकर वहां पर टिकट काउंटर पे ही बुक कर सकते हैं। सो अभी हम आ गए हैं फेमस ब्लू रूम के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पीसफुल लग रहा है, और पीछे म्यूजिक भी लग रहा है ट्रेडिशनल वाला। तो यदि यहाँ आपको आना है तो आपको रॉयल टूर का टिकट लेना होगा, उसके बाद आप गाइड के साथ यहाँ पे आ सकते हो। इसे छवि निवास भी बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा। शीश महल है, मेरा रूम के नाम से जाना जाता है, श्री राम निवास। और ये जो ग्लास देख रहे हैं आप, ये बेल्जियम ग्लास है जो कि सिल्वर कोटेड है, हैंडमेड पीओपी का वर्क किया हुआ है। वाओ, बहुत ही सुंदर है, कांच है ना। हाँ, और लगभग 100 कैंडल यूज में ली जाती थी इस रूम के अंदर, और तब उस समय सर्दी के सीजन में महाराजा और महारानी यूज में लिया करते थे, तो सर्दी के अंदर उनको गर्मी का एहसास होता था और इस तरह का आनंद लेते थे। और कई इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं यहाँ पर, कई फिल्मों की शूटिंग में हुई और अभी भी कैंडल डिनर वगैरह लेते हैं वहाँ। गाइस अभी हम है गोल्ड रूम में बैठे हैं, और अभी हम राजा की सीट पे बैठे हैं, थोड़ा फोटोज वगैरह खींचे। और यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होती है और पूजा की जाती है गणेश जी और राम भगवान की। और पूरी रूम गोल्ड फॉइल से बनी है, मतलब रियल गोल्ड से बनी है। तो काफी ज्यादा सही है, बहुत ही ज्यादा चमक है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा असोड़े टूरिस्ट ज्यादा है, और ये चैंडलियर लगा हुआ है। तो गाइज अभी हम सिटी पैलेस जयपुर में थे, और अभी भी है एक्चुअली, और हमने रॉयल टूर किया था, तो उसमें तीन रूम्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट है ब्लू रूम जिसको छवि निवास ही बोलता है, दूसरा है गोल्डन रूम, और थर्ड है मिरर रूम जो शीश महल भी बोलता है, उसको शीश रूम बोलता है। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल सकता है टिकट्स पर। हाँ, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको दो लोग के 6,000 की जगह 4,500 रुपीज़ में हो जाएगा। और अभी जहाँ पे हम हैं वहाँ पे स्नैक्स का एरिया, तो उस टूर में स्नैक्स इंक्लूडेड होते हैं, तो कुछ नहीं, जूस और कुछ चाय कॉफ़ी आपको मिलेंगे, बाकी सब आपको पे करना पड़ेगा। तो देख रहे हो ये है पैलेस,
और इसी के अंदर हम थर्ड फ्लोर पे थे जहाँ पे हमने सारे रूम्स का शूट किया। In fact, we can see the blue room from here. Where is blue room? Yeah, this is the blue room, if you can see. तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पैलेस का ग्राउंड फ्लोर पे हूँ मैं और आज यहाँ पे क्रिसमस की पार्टी होने वाली है। शायद देख सकते हो यहाँ काम चल रहा है, सारा डेकोरेशन का काम है। और ये है गाइस मुबारक निवास, यहाँ पे आने के बाद जो जो लोग आते थे राजा के गेस्ट होते थे उनको मुबारक निवास में फर्स्ट दिया जाता था। गाइस अभी हम निकल चुके हैं सिटी पैलेस से और खा रहे हैं यहाँ की कचौरी। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं और मिलता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हैं अभी जंतर मंतर पे और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगी हुई है। और बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए आराम से इसको पढ़ के आना पड़ेगा। सिंपली मैंने देखा यहाँ पे 90% लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं इंस्ट्रूमेंट्स पे। सो ये है भाई। इसके बाद हम पहुँच गए हवा महल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ये आपको आसपास ही मिलता है, जंतर मंतर के ही एरिया में है। काफ़ी ज़्यादा रश होने के कारण हमने ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया। और इसके बाद हम पहुँच गए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार जो कि अपने स्वीट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर हमने ट्राई किया यहाँ का फेमस घेवर, तो देखिए कैसा है। तो गाइस अभी हम आए हैं LMB जो कि लक्ष्मी मिष्ठान भंडार और वहाँ के हम खा रहे हैं फेमस घेवर। तो कैसा है और इतना हाइप वर्थ है क्या देखते। तो घेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी थी गाइस, आपको एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। इसके बाद हम पहुंच गए होटल और चेंज करके सीधा चले गए डिनर के लिए। उस दिन थी हमारी एनिवर्सरी और थी क्रिसमस ईव, तो दोनों सेलिब्रेट करने के बाद आज का दिन होता है एंड। तो इसी के साथ डे टू हमने एंड किया। तो ब्रेकफास्ट करके होटल पे हम सीधा पहुंच गए पत्रिका गेट और ये जगह काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पे लोग फोटोज काफी खिंचाते हैं, काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है जगह, लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्री वेडिंग और मॉडलिंग शूट्स करते रहते हैं, तो स्पॉट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन देख सकते हो काफी ज्यादा सुंदर जगह है। व्हाट्सअप गाइस, तो आज है हमारा डे टू इन जयपुर और आज हम पत्रिका गेट पे, लेकिन ये इंस्टाग्राम में भी जगह है लेकिन बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वेडिंग फोटो शूट काफी चल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको जगह चल रहे हैं और आपको अगर यहाँ पे आना है तो आप सुबह सुबह 7-7 बजे या फिर 8 बजे आ जाएंगे और दोपहर में आएंगे तो पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है।
आफ्टर फोर्ट्स पब्लिक प्लेसेस विजिट करने के लिए कुछ टिकट्स लगती है जो कि आप आराम से राजस्थान टूरिज्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हो। मिनिमल कॉस्ट होती है 10-20 रुपए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके बाद हम पहुंच गए एम्बर फोर्ट या फिर आमेर फोर्ट भी इसे कहते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था लेकिन पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट दोपहर हो गई थी और पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत समस्या है, तो आप ऑटो करके ही आए तो बेहतर रहेगा और उसी ऑटो से आप वापस जाइए क्योंकि यहाँ से वापस आपको ऑटो बुक करना काफ़ी मुश्किल रह सकता है। इसीलिए आप टू एंड फ्रो एक साथ बुक करके आइए और तभी आप यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे बाहर। और इस फोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चोरी चपाटी हो रही थी, लोगों के फ़ोन वगैरह गुम हो रहे थे, तो यहाँ पे उस क्राउड में अगर आप जा रहे हो इतने, तो कृपया करके अपना फ़ोन और अपने वैल्यूएबल्स ध्यान से रखें। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है और इसमें काफ़ी ज़्यादा शूटिंग हुई है। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है इस फोर्ट के अंदर और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जोधा अकबर और नेटफ्लिक्स पे भी एक सीरीज़ आई थी, नाम मुझे याद नहीं है, उसका भी शूटिंग यहाँ पे हुआ है रिसेंटली, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। और देख सकते हो हर एक जगह पे लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है फोटोज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए, तो हर किसी के हाथों में आपको फ़ोन और व्लॉगिंग कैमरा दिख जाएगा, तो ऐसा कुछ है यहाँ का सीन। इसके लिए भी आपको टिकट लेनी होती है और यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो कृपया करके नीचे से ही, मतलब फोर्ट पे चढ़ने के पहले ही नीचे से आप टिकट ले सकते हो। सो गाइस हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट और उसे एम्बर फोर्ट भी बोलते हैं। तो मैंने दिखाया आपको वहाँ पे कैसे है, बहुत ज्यादा रश है, चलते हैं अंदर और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। फोर्ट एक्सप्लोर करके हम सीधा निकल गए बाहर सिटी में और वहां पर हमने देखा जल महल और कुछ रिफ्रेशिंग ट्राई कर लिया। अभी हम आ गए हैं जल महल, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे, और हम पी रहे हैं जल, नॉट नॉर्मल जल बट इट्स गंगा का। तो देखिए कैसा है, आपका अंदर जाने नहीं देते और डूब गया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी पूरी और स्नैक्स ट्राई करने के बाद हम आ गए अपने होटल और कल है हमारा लास्ट डे इन जयपुर, तो बिरला मंदिर एक्सप्लोर करने वाले हैं सुबह। तब तक आप देख लीजिए आईबीस अंदर से कैसा है। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं जो सबसे फेमस बिरला मंदिर है यहाँ का, और सुबह सुबह के अभी 8:40 हो रहे हैं, मंदिर जस्ट खुला है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप बहुत कम लोग हैं अभी। तो अभी हम कहाँ आ गए, बहुत ही पीसफुल वाइब्स है, यहाँ की जो ठंड है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है गाइज़, मतलब आपको ऐसे कोमल कोमल जो पिंक सिटी की जो पिंक ठंडी रहती है उस टाइप की है, जिसे गुलाबी ठंड भी कहते हैं। तो बिरला मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले गए रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से हम निकल गए जोधपुर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ जोधपुर। तो अगर आपको राजस्थान सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं जोधपुर में।